रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत सारा ऐसा कारण बा जौना के लेकर के काफ़ी भीतर ही भीतर परेशान बा, और ये परेशानी से निपटे खातिर वो NDA के विधायक लोग के अचानक बैठक बुला दिले। वो बैठक में का भइल ये बात खुल करके सामने ना आई, लेकिन भारत लाइव टोह लेवे के कोशिश कैले सा कि आखिर ये बैठक में भइल का, और नीतीश कुमार काहे इतना जल्दबाजी में बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर पूरा भारतीय जनता पार्टी, JDU और LJP के सहित अन्य जोन शामिल वाले NDA में दल उनका के बुला करके और बैठक कैले है। ये बैठक में का निकल करके आई इरुवालों के हमनी के सूत्र से मिलल खबर के हिसाब से बताओ तन जा, एक साथ साथ कुछ बाइट भी बा जो रुवालों को सुनाई भी। दरअसल नीतीश कुमार जी लगातार दू तरफा घेर रहा बा, जहाँ एक तरफ विपक्ष उनका के लगातार घेर रहा बड़ुए, वो ये सत्ता पक्ष के भी बहुत सारा विधायक लोग लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहा बड़ुए और उनका शासन के सुशासन के इशारा कर रहा बड़ुए कि वो ठीक ढंग से नहीं चल रहा। ऐसा कई गो विधायक और सांसद ए लाइन में खड़ा बन जो नीतीश कुमार के लगातार अक्षम बतावता। कई विधायक और सांसद तो सीधा तौर पर कह दिले है कि अगर सत्ता नहीं चलत तो वो त्यागपत्र दे देस। ये बात तब शुरू भई जब 30 तारीख के बाद से 30 मई के बाद से ये लगातार ये सब स्थिति और परिस्थिति रुआ सामने आवे लागल, जब केंद्र में दोबारा मोदी सरकार बनल और नीतीश कुमार ओकरा से अलग भइल, एक साथ बाड़न NDA में बाड़न और पूरा पैक्ट होके के वो बात लगातार दोहरा रहल बा। लेकिन एकरा बावजूद नीतीश कुमार कहीं ना कहीं निशाने पर बाड़न भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद लोग के। ये बात से परेशान नीतीश कुमार और सदन में एक बैग जौन स्थिति पैदा हो गई जौना के लेकर के सदन में काफ़ी हंगामा भइल, और हंगामा के कारण रहे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बयान। बीच में विपक्ष हंगामा करके नीतीश कुमार से यह मुद्दा पर बात करे के सवाल उठावे लागल। हालांकि नीतीश कुमार जी बड़ा शालीनता से यह बात के रखले कि हम जवाब देव, हर सवाल के जवाब देव, लेकिन तब देव जब स्वास्थ्य मंत्री अपन बात कहली है। लेकिन विपक्ष ना मानल और अंततः नीतीश कुमार जी के पूरा बात और पूरा पक्ष रखे के पड़ल, दुख भी व्यक्त कैले और सरकार के पूरा जो व्यवस्था बा उस सुदृढ़ रही, हर तरह के प्रयास करी हैं कि जौना से आवे वाला समय में कभी इस तरह के बात मत होके एकर भी वादा कैले। एकरा साथ साथ जो सदन में अचानक स्थिति पैदा हो गई कि केहू जवाब दे वाला ना रहे, ये बात के लेकर के नीतीश कुमार जी एक बैग बैठक बुलाले और बैठक बुला करके वो अतने बात कहले कि जब सदन में आवो तो पूरा तैयारी करके आवो, लोग बिना तैयारी और बिना होमवर्क कैले सदन में आवे के मतलब उड़ुए कि निश्चित रूप से घिर जाएगा वहाँ, ऐसे कि जौन हकीकत बढ़ुए जौन वास्तविकता बा सरकार का काम कर रहा बा ओकरा में कमी निकालल विपक्ष के काम बढ़ुए, और सत्ता पक्ष के काम बा कि जनता के बीच में और सदन में वो काम के जो वास्तविक स्थिति बा सरकार का कर रहा बा ओकर जानकारी सत्ता पक्ष के हुई, और सत्ता पक्ष के हर विधायक के फर्ज बनता कि उस सरकार के नीति नियत और काम योजना ये सब के जनता के बीच में और सदन में अक्षरशः रखे। एकरा खातिर हर कोई के तैयारी करे के पड़ी, खास करके मंत्री लोग के। एकरा बाद हमने के प्रयास करनी जा कि और अंदरूनी बात का भइल, चूँकि सिर्फ बात अतने नहीं है, नीतीश कुमार जी के मीटिंग बुलावे के पीछे जरूर कुछ विशेष बात हुई, और एकरा पर जब सवाल भारत लाइव के सब एडिटर आर्यन आनंद जब पकड़ ले हम मंत्री लोग के और विधायक लोग के, तो उमें बैकुंठपुर से विधायक और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी का कहते रे रुआ सुन ली है।
हाँ, सदन तो स्थगित हुआ है जी। विपक्षी सदस्य बेल में आकर के और हंगामा कर रहे थे, इसलिए सदन माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्थगित कर दिया। सर, कल आप लोगों को नीतीश कुमार जी द्वारा जितने भी एनडीए के विधायक हैं उनके साथ सर्वदलीय बैठक की गई है, क्या निकल के आया सर कल के बैठक? सर्वदलीय बैठक हमेशा सदन चलता है तो होता है, और एनडीए की भी अलग बैठक हुई। तो कल शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एनडीए की बैठक बुलाई थी और उसमें सदन कैसे चले, जनहित के मुद्दे कैसे फ्लोर पर लाए जाएं, कैसे गांव गरीब की समस्या को सरकार की नजर में लाया जाए, इस पर हमारी रणनीति बनी। सर, एक तरफ आपके यहाँ के विधायक, आपके यहाँ के एमएलसी नीतीश कुमार पर भी वार कर दे रहे हैं शब्दों से, सर दोस्ती ठीक ठाक नहीं चल रही? खूब बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है, लेकिन सदन है, सदन में विधायक को कोई परेशानी होगी तो सरकार के सामने रखेगा, इसमें इसको दूसरे रूप में नहीं लिया जाना। जिसन गुरुआ सुन लेनी कि मिथिलेश तिवारी सीधे तौर पर जोन बात रहा ओकरा के अपना हिसाब से प्रस्तुत के लिया और कहले हा कि हाँ, सत्ता पक्ष अपन बात बेहतरीन ढंग से और सरकार के नीति नियत और कार्य के रखे, ओकरा खातिर मीटिंग जरूरी बा। सर, दलीय मीटिंग भी होला और एनडीए के भी मीटिंग भइला, एकरा साथ साथ ये जरूरी भी बा कि हर लोग कहीं ना कहीं जेकरा कोनो तकलीफ बा, जेकरा कोनो परेशानी बा, वो जाकर के सरकार से ही कही। बात अभी भी पूरी तरह से खुल करके सामने नहीं आई, हमने के टोह में लागल बन जा, जैसे ही ये बात के असल मतलब पता चली रुवालों के सामने हाजिर होकर गोर लगा दनी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816700। धन्यवाद।